पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के अमरोहा नगर में बीते दो दिनों से हो रही बारिश के चलते मौसम मुसीबत बन गया है और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिसका असर सड़कों पर भरे पानी की वजह से स्कूली बच्चों को भी हो रहा है, क्योंकि उनके स्कूल के आगे की सड़कें पानी में डूब गई हैं, जिसकी वजह से उन्हें स्कूल तक पहुंचने में खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बीते दो दिनों से दिल्ली NCR सहित अमरोहा में जबरदस्त बारिश हो रही है और मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से अमरोहा की सड़कों पर पानी भर चुका है और सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। आलम यह है कि मौसम की खराबी के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है और वो अपनी दैनिक दिनचर्या के काम भी बहुत मुश्किल से कर पा रहे हैं। खराब मौसम और बारिश के चलते सड़क पर भरा पानी स्कूली छात्रों के लिए मुसीबत बन गया है, क्योंकि छात्रों को अपने स्कूल तक पहुंचने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और स्कूल जाने के लिए उनसे ऑटो वाले भी दुगनी तिगनी रकम मांग रहे हैं, जिसके चलते छात्र परेशान है। हमारा जो बारिश पड़ती है रात को या दिन में कभी भी, और ये देखो पानी कितना भरा पड़ा है, हमें बहुत परेशानी हो रही है आने को। कितने बच्चे मजबूर हो रहे हैं इधर आने को, और हमारे मास्टर भी कुछ नहीं करते और नगर पालिका भी नहीं कर रही है इस बारे में कुछ। आपसे सबसे विनती है और निवेदन है कि इस पानी को हमारे सही करवा दीजिए सड़क, और हम जो टेम्पो में आते हैं फिर टेम्पो वाले भी खूब पैसे मांगते हैं, हम 20-30 रुपये मांगते हैं, और जिन पर नहीं है वो कहाँ से दे, बेचारे गरीब बच्चे हैं थोड़ा, तो हमारा स्कूल भी इतना बड़ा है तो मास्टरों को भी। और आप देख लीजिए पानी कितना भरा पड़ा है, रास्ते पर भारी बारिश हुई है, ये नगर पालिका की जिम्मेदारी है, इन्हें करवा दीजिए जल्दी से, ताकि हम पेपरों में भी और पैसे भी रेगुलर आना चाहिए।